सो क्या अब साउंड आ रहा है? यस आई डोंट नो हाउ दिस प्रॉब्लम अकर्ड। सो नाउ आई थिंक साउंड इज क्लियर, राइट? अब साउंड क्लियर होगा। तो यही चीज थी, ठीक है? तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डोंट वरी, आई रिजोल्व द इश्यू। सो दीज थिंग्स आर नोन टू यू, राइट? ओके, क्या मजाक चल रहा है? ओके, हाँ। तो यार कमेंट वगैरह आपका दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा नहीं हो पाया। चलिए, थोड़ा मजा आ गया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया आपका भी, बट एफर्ट्स वेस्ट हो गए मेरे। तो कोई बात नहीं। तो ये बोल रहे थे हम कि जो क्वेश्चंस हमने कल सोल्व किए थे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जो क्वेश्चन आपका था, कंसेप्ट आपका था लेमिस थ्योरम का, थ्री डायग्राम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है? तो वही चीज होगी, वही चीज होगी कि जो आपको हेल्प करेगी ट्रस्ट में। व्हाट इज ट्रस्ट? तो ट्रस्ट आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है, राइट? कि अगर आपने ब्रिज देखा होगा, अगर आपने ब्रिज देखा होगा, ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट और कुछ नहीं होता, ट्रस्ट होता है कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स आप कनेक्ट करते हैं, जो कि यहां पर आप देख पाएंगे। यू कैन फील दिस, यहां पर आप अच्छे से फील कर पाएंगे, यू आर कनेक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? मेंबर आपके कनेक्ट आपने किए हुए हैं, अलग अलग कनेक्ट इसलिए किए हुए हैं ताकि आप सपोर्ट कर पाए लोड को, राइट? ताकि आप सपोर्ट कर पाए लोड को। यू कैन सी नंबर ऑफ मेंबर्स हियर, राइट? तो यू कैन सपोर्ट द लोड। तो जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन आपका होता है पिंड पॉइंट, पिंड जॉइंट आपका होता है, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। तो ट्रस्ट कहाँ कहाँ होता है? तो ट्रस्ट आपने देखा होगा अपने कॉलेज के वर्कशॉप में, अगर आप गए होंगे तो वर्कशॉप में रूफ अगर होगा तो रूफ में ट्रस्ट होता है, रूफ में होता है। फिर आपका ब्रिज में ट्रस्ट होता है, राइट? ब्रिज में ट्रस्ट होता है, यू कैन सी नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड एंड दे आर कैरिंग सम फोर्स। फोर्स इज हैविंग अ टू टाइप्स ऑफ नेचर, राइट? इट इज पिन जॉइंट, राइट? ट्रस में आपका होता है, पिन जॉइंट आपका होता है। तो एफिल टावर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, यहां पर भी नंबर ऑफ मेंबर्स आपके होंगे, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे फॉर इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है? फिर आपका हो गया बाइसिकल। तो जहां जहां आपको स्ट्रेंथ चाहती है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, जहां जहां तब तब आप ट्रस यूज करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बाय अगर आप बात करें कि इफ यू आर यूजिंग ओनली दीज थ्री मेंबर्स, दे आर द पेन जॉइंट्स एंड यू हैव टू सपोर्ट एनी वन लोड। आपको एक लोड को सपोर्ट करना था एंड आपने लगा दिए थे तीन मेंबर्स, तो आप फील कर पाएंगे अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा आपका। बट यू विल एड एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है? तो अ ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू कनेक्टेड ट्राइंगल्स। सो जनरली इट विल क्रिएट अ ट्राइंगल, क्रिएट अ ट्राइंगल सो दैट द ओवरऑल असेंबली बिहेव्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन ए ट्रस्ट। आपका होता है इक्विलिब्रियम में, क्या होता है ये ट्रस्ट आपका होता है इक्विलिब्रियम में, मतलब इट विल नॉट मूव। अगर आपका ब्रिज होता है तो ब्रिज विल नॉट मूव, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्सेस विल बी टेकन बाय द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रस मेंबर्स एंड यू नो दैट कि फोर्सेस आर
मेजरली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फोर्स कैन बी इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव. दिस फोर्स इज टेंसाइल फोर्स इन द मेंबर एंड द सेकंड मेंबर इज हैविंग अ फोर्स कंप्रेसिव, लाइक इट विल ट्राई टू कंप्रेस द मेंबर. तो यू हैव टू ऑल्सो डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड यू हैव टू ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ द फोर्स, टेंसाइल और कंप्रेसिव. तो जनरली गलतियां यहीं पर होती है कि एस्पिरेंट को पता नहीं चलता कि टेंसाइल था कि कंप्रेसिव था. तो वो चीज फील करेंगे आप एंड उसका आंसर आप वर्बली करेंगे. तो बेसिक चीज की जो मैंने बात की थी कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये तीन आपके बेसिक्स होंगे. इसी के ऊपर से, बिलीव मी, इसी के ऊपर से आपके सारे आंसर हम लाएंगे. इसी के ऊपर से चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नजरिया बदल लेंगे हम आपका. ठीक है, यस. तो लिमिट सीरम के बेस पर विल डिस्कस सम एग्जांपल्स एंड विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर वन, एंड मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिया था कल. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिजिड बॉल, अ रिजिड बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके, द बॉल इज पुल्ड बाय अ फोर्स, होरिजॉन्टल फोर्स एफ. एक बॉल था, आपने उसको पुल कर दिया विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ. ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई. ओके, एंड द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. तो वेन एवर ऑब्जेक्ट विल बी गिवन, वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ. तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 to 4 वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एंड द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉल आर द 3 फोर्सेस. फर्स्ट फोर्स इज फोर्स एफ, externally applied force. Second force is the self weight and the third force is the tensile force in the spring away from the body. And under the action of these three forces your ball is in equilibrium. Whenever your body is in an equilibrium, it means net force is equals to zero. So you can say ki net force in each direction become zero, the net force in the y direction will also become zero, so that there will be no resultant force. So please let me know what is the magnitude of the force F. ये force F का magnitude कितना होगा? एक mark का question आया था gate exam में, okay? And options are not given to you. चलिए. What is the value of force F? So we'll use the smart approach. We will use the optimum approach. So jab aapka koi body hota equilibrium under the force, under the action of any three forces, they will make a triangle and you can use the property of triangle. This angle is 30 degree, right? It will become a Z. ये क्या होगा, इट विल बिकम अ जेड, राइट? दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री. तो एंगल आपका हो गया 30 डिग्री का. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉल. तो यू डोंट नो द फोर्स एफ, यू डोंट नो द टेंशन टी. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ कंपोनेंट्स ऑफ द टी फोर्स, टी वी कैन टेक द कंपोनेंट्स
तो यस वी कैन टेक टू कंपोनेंट्स, वी कैन रिप्लेस, तो इट विल बिकम व्हाट कैन आई राइट इन दिस प्लेस ऑफ दिस टी. सो टी कोस 30 एंड टी साइन 30. Now I can replace this T. I can eliminate this T because I have already written the components. And the body is in equilibrium. क्योंकि आपका पहला सम हो रहा है इसलिए हम डिटेल में जा रहे हैं. This is required for the basic concept understanding. But in exam we'll get the answer in 30 seconds. Don't worry. Right? This is the investment of your time. So yes, you can clearly say this. You can clearly say this कि F is equals to T sin 30. यस नेट फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में जीरो, एक्स में भी जीरो, एंड 100 इज इक्वल्स टू टी कोस 30. तो यू कैन टेक अ रेशियो ऑफ दिस टू इक्वेशंस. तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ, फोर्स एफ का वैल्यू कितना होगा. यस जो आम आदमी होगा, आम आसमान होगा, वो रेशियो लेगा और आंसर लाएगा. यही रास्ता होता है ना सभी के लिए. यू कैन टेक अ रेशियो, तो यू कैन टेक अ रेशियो, यू विल गेट द वैल्यू एफ बाय 100 इज इक्वल्स टू साइन 30 बाय कोस 30. तो एफ इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 30. वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ कितना मिला आपको 100 इंटू 1/√3. यस तो इट विल बिकम 57.73. यस और नो, ये होगा. तो ये एकदम बेसिक से सोल्व कर दिया, एकदम समझकर आगे बढ़ गए हम कि यस इक्विलिब्रियम था. तो ये दोनों चीज आपकी होनी चाहिए, ये दोनों चीज आपकी होनी चाहिए. तो आपने कर दिया अच्छे से, आपने मजा आ गया, सोल्व कर दिया इसको, एक मार्क मिल गया. बट अभी यार थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा बिकॉज आई एम हियर टू गिव यू सम अदर डायरेक्शन, राइट. तो व्हाट शुड वी डू, तो देर आर थ्री फोर्सेस, राइट, देर आर थ्री फोर्सेस. कितने फोर्स यहां पर थे, तीन फोर्स आप कहते हैं. एक फोर्स आपका था एफ, एक फोर्स आपका था 100 न्यूटन का, एंड एक आपका होगा टेंसाइल फोर्स. एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू, इट इज दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 degree. चलो, तो यार मजा आता है जब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव होते हैं, तो एकदम मजा आता है, एनर्जी फील होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट which is not available, which was not available in the previous years, right? So yes, it's a triangle and it is a right angle triangle. It's a right angle triangle. So you have to find this force F. So 10 30 is equals to 100 by F. Yes or no? Directly आप करेंगे. तो यू कैन से एफ इज इक्वल्स टू 100 बाय 10 30. यू विल गेट आंसर 57.73. सॉरी, ओके, दिस एंगल इज 60 degree, राइट, दिस इज अ 60 degree एंगल बिकॉज ये एंगल 30 का था, दिस विल बिकम 60 degree. Tan 60. So you will get F is equals to 100 by 1060. 1060 is root 3, right? You will get the answer. अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया होता तब यहां पर 30 यूज कर सकते हैं. देखने क्या करते हैं कि 10 30 is equal to this side, horizontal side,
कि आपका वेक्टर था एफ डिवाइड बाय वर्टिकल साइड जो कि आपका वेक्टर था 100। समझ रहे बात को? एक ही क्वेश्चन का आंसर दो तीन तरीके से आ रहा है। टेन थीटा इज अपोजिट साइड, तो इस साइड में वेक्टर था एफ डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, इस साइड में वेक्टर आपका था 100 वाला। टेन थर्टी एफ बाय 100, तो एफ मिल गया आपको 100 इंटू टेन थर्टी, टेन थर्टी इज 1/√3। तो आंसर तो आपका घूम फिर कर सेम ही आएगा, 57.73। यू गेट द सेम आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द फर्स्ट केस यू कैन ड्रॉ द एफबीडी, यस यू विल गेट द फास्टेस्ट आंसर फ्रॉम दिस मेथड। लास्ट वाला मेथड 1030 अपोजिट साइड, इस साइड में आपका फोर्स था एफ बट एडजेसेंट साइड, इस साइड में आपका फोर्स था 100 का। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ताकि आपको फोर्सेस मिलते हैं, एंड देन यू विल अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट लेमिस थ्योरम के बिना भी आंसर आपके आएंगे, इट्स नथिंग बट ट्राइंगल ओनली। तो अ बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन, ध्यान से समझना क्वेश्चन, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अ बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज टाइड टू अ स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल का मतलब ये होता है कि देर इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो बाय अ कोड मेकिंग एंगल 30 डिग्री टू द वॉल। द टेंशन इन द कोड कितना होगा, तो देख लेते हैं कि एक आपका होगा एकदम स्मूथ वॉल, ये आपका हो गया स्मूथ वॉल राइट, एंड एक बॉल था अ बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन। तो देयर विल बी अ स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग, एंड द स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल। ओके देन अ वेट इज गिवन टू यू 100 न्यूटन। एंड द टेंशन इन द कोड पूछा है कि टेंशन कितना होगा 200 न्यूटन, 200 बाय रूट थ्री न्यूटन, 100 न्यूटन और 50 रूट थ्री न्यूटन, क्या होगा टेंशन बताइए। तो यस यहां पर भी आप यूज कर पाएंगे अपना स्मार्ट अप्रोच, ओके, बट इनिशियल डेज विल यूज फ्री बॉडी डायग्राम। देयर आर थ्री फोर्सेस बिकॉज देयर इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस बॉल एंड दिस वॉल, इट विल प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शन, एंड द टेंसाइल फोर्स विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, एंड दिस टेंशन। चलिए सो बी एंड डी आर द आंसर स्टिल नाउ फ्रॉम रोशन कुमार जी एंड चंद्रिका नाकर जी। ओके तो इन द ट्राइंगल, इफ दिस इज अ ट्राइंगल सपोज राइट, यू वॉन्ट टू फाइंड दिस साइड एंड यू नो वर्टिकल साइड, यू नो वर्टिकल साइड ये पता था आपको, वर्टिकल फोर्स आपका था 100 न्यूटन का। तो प्लीज चेक योर आंसर वंस अगेन, वर्टिकल फोर्स था 100 का, दिस फोर्स यू हैव टू फाइंड, एंगल इज 30 डिग्री, तो इट्स एन राइट एंगल ट्राइंगल, दीज आर हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो व्हाट इज कोस 30, कोस 30 क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस जो कि आपका होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके
सो टी इज इक्वल्स टू 100 बाय कोस 30, सो इट इज द आंसर. कोस 30 मीन्स साइन 60, मीन्स रूट 3/2. तो आंसर आपका आएगा 100 डिवाइड बाय रूट 3/2. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. आंसर यार डी नहीं आएगा ना, आंसर बी आएगा. एक और बार करते हैं. देखिए, आई विल ड्रॉ द फ्लूइड डायग्राम. तो देर इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज द टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग. तो यार पहली बात आपको फील करनी होगी, समझ रहे, समझिए मेरी बात को, कि आपको फील करना होगा कि यस, जो आपका टेंशन आएगा ना, यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम. तो टेंशन आपका जो भी आएगा वो आपका 100 से बड़ा होगा. समझ रहे हैं बात को आप? टेंशन आपका 100 से बड़ा होगा. ट्राई टू फील इट, ट्राई टू फील दिस, राइट? तो 100 कैन नॉट बी द आंसर एंड 50√3 कैन नॉट बी द आंसर इफ इट इज लेस देन 100. आर यू एबल टू फील दिस, यस और नो? क्या ये आपको फील हो रहा है? कि आंसर आपका 100 से बड़ा ही आएगा. ठीक है, आंसर आपका 100 से बड़ा आएगा तो वो कभी वो नहीं होगा. एंड द एंगल कितना था? दिस एंगल वॉज गिवन टू यू विद द वर्टिकल, इट वॉज 30 डिग्री. ओके, दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम 30 डिग्री. तो नाउ यू कैन से दिस कि टी कोस 30 इज इक्वल्स टू 100. दिस इज टी कोस 30. यू कैन रिप्लेस टी बाय द कंपोनेंट्स. And the T sin 30 will become equal to normal reaction. Right? You don't know NR. You don't know NR? Okay? So these are the basic equations of equilibrium. You want to find T, so T into cos 30 root 3 by 2 equals to 100. You get the answer option B. तो इन द इनिशियल स्टेज मैंने बताया था आपको कि इट इज अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्ट प्रॉपर टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक्स, राइट? ट्राई टू गेट आंसर ऑफ वन क्वेश्चन बाय सेवरल वेज एंड यू शुड गेट द सेम आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी करेक्ट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग, दिस आर द अमृत फॉर यू. ये आपका अमृत होगा. ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन आया था गेट एग्जाम में 1 मार्क के लिए. चलिए, तो व्हाट इज ट्रस, ट्रस इज द नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड इन द कनेक्शन विथ हिंज पॉइंट, हिंज कनेक्शन और पिंड पॉइंट टू सपोर्ट अ लोड टू गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर. तो टू आइडेंटिकल ट्रस, तो ट्रस आर द मेंबर्स जो कि आपके मेंबर आपके थे ए बी एंड बी सी, राइट? सपोर्ट्स अ लोड ऑफ 100 न्यूटन. द लेंथ ऑफ ईच ट्रस इज 1 मीटर. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर, देयर विल बी सम एरिया. तो एरिया भी आपको गिवन था, दिस एरिया, दिस विल बी द मेंबर्स, राइट? तो एरिया गिवन था आपको 200 mm square. यंग मॉडुलस इज आल्सो गिवन टू यू 200 GPa. व्हाट इज द फोर्स इन मेंबर ए बी? क्योंकि अगर आप सोचें कि अगर आपका लोड अप्लाई हो रहा था, दिस लोड इज अप्लाइड, देन दिस लोड विल बी सपोर्टेड बाय दिस टू मेंबर्स. तो देयर विल बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर साइड ऑफ द लोड. व्हाट इज लोड इन मेंबर ए बी? एंड यू विल ऑल्सो गिव मी द आंसर ऑफ लोड इन मेंबर बी सी. तो कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज अ ट्रस. तो ये पूरा सिस्टम आपका था इक्विलिब्रियम में.
ऑल द पॉइंट्स ऑन द ट्रस शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ऑल द पॉइंट्स मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द जॉइंट्स, ऑल द पिंड जॉइंट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द पिंड जॉइंट्स शुड इक्वल टू जीरो. यस, तो वी आर रीड अबाउट द जॉइंट बी. वी विल कंसिडर दिस जॉइंट बिकॉज एट दिस जॉइंट देर आर फोर्स एक्टिंग. तो आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी. तो वन फोर्स आपका था 100 का, दिस फोर्स इज फोर्स बी सी, दिस फोर्स इज फोर्स ए बी, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू, ये एंगल 30 का था, 30 का एंगल आपका था, तो दिस एंगल विल बिकम 120 बिकॉज टोटल एंगल इज 180 डिग्रीज. तो व्हेन दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, ओके, एंड द फिगर इज सिमेट्रिकल, राइट, तो दिस टू एंगल्स विल ऑल्सो बिकम 120 डिग्रीज बिकॉज सिमेट्रिकल था आपका फिगर. तो इन केस ऑफ वेयर एट 1.3 फोर्सेस आर एक्टिंग एंड एंगल इज 120 डिग्री, तो तीनों फोर्स आपके सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे तीनों फोर्स. ये क्वेश्चन ISRO में भी आया था इस साल, तीनों फोर्स होंगे आप इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो यू विल प्राउडली राइट कि सर आंसर इज 100 न्यूटन, राइट, आंसर इज 100 न्यूटन. यू विल से कि इट इज 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100 न्यूटन, बट यार ये क्वेश्चन तो एक मार्क का था जो आपने पहचान लिया, बट जरूरी नहीं कि हर बार आप इसको पहचान लेंगे. आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन. याद रखिए कि ट्रस अगर आपके पास होगा तो ट्रस के सभी जॉइंट्स पर आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होना चाहिए. मोमेंट रिएक्शन एट ट्रस पिन जॉइंट इक्वल्स टू जीरो. तो द वेट ऑफ 500 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू मेटालिक रोप्स, राइट, देयर आर टू मेटालिक रोप्स सपोर्ट कर रहे हैं एक लोड को, इज शोन इन द फिगर. द वैल्यूज ऑफ टेंशन T1 एंड T2 आर रिस्पेक्टिवली, T1 एंड T2 का पूछा है आपको वैल्यू, क्योंकि देयर आर टू मेंबर्स विच आर सपोर्टिंग एनी वन लोड. ऑप्शन आर गिवन टू यू, ओके, तो यस, एट दिस जॉइंट देर आर 3 4 6, तीन फोर्स यहां पर आपके थे जॉइंट पर. एक फोर्स था आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो कि आपका था 500 न्यूटन का. टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी टू सपोर्ट इट, राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है वो हमेशा. ये था आपका T2, ये आपका था T1, एंड दिस आर एट 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री. तो टोटल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट, तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा. ये एंगल कितना होगा, देयर आर थ्री मेंबर्स, वन इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, टू आर द मेंबर्स विच आर मेटालिक रोप्स. यस, इफ यू डोंट माइंड यू कैन गो ऑफ 1 मिनट बैकवर्ड्स इन द क्लास सो दैट वी कैन यूज द टाइम इफेक्टिवली बिकॉज दिस क्लास इज ओनली फॉर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 7:30 PM टू 8:30 PM. वी हैव टू यूज योर टाइम इफेक्टिवली, तो आप थोड़ा पीछे जा सकेंगे तो वहां से आप दोबारा देख पाएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, राइट. चलिए, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल इज 360 डिग्रीज, 90 डिग्री,
प्लस 120 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क एंगल इक्वल टू 360, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, 270 माइनस 120, इट विल बिकम 150 डिग्री, राइट, इट विल बिकम 150 डिग्री। तो लिमिट थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे बिकॉज डायरेक्टली आपका अप्लाई करने के लिए दिया गया था फॉर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम रोशन कुमार, व्हाट अबाउट दिस डेज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ऑन दिस डेज वी आर हैविंग अ कोर्स, वी आर हैविंग अ कोर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स, राइट, तो ऑन यूट्यूब देयर विल बी नो क्लास। तो यस, लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आंसर आपका बकायदा निकलेगा, बट दीज आर नॉट दोज क्वेश्चन विच विल डिसाइड द रैंक, इसमें तो आंसर सभी का आना ही चाहिए। तो यस, यू कैन राइट की 500 डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल 90 इज इक्वल्स टू T1 बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल 120 इक्वल्स टू T2 बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल 150। तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60, साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30, राइट, तो मैंने यहां पर लिख दिया 30 एंड दिस, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो T1 कितना मिल रहा है, T1 कितना मिल रहा है, T1 आपको मिल रहा है 500 साइन 60, T2 आपको मिल रहा है 500 साइन 30, तो T2 आपका आ गया 250 एंड T1 आपका आ गया 443। तो क्या सबका आंसर आंसर ए आ रहा है, यस यू आर ऑल गेटिंग आंसर ए, ओके आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यू विल ऑल्सो टेल मी नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स टेंसाइल और कंप्रेसिव, बिकॉज फोर्स विल बी ऑफ टेंसाइल नेचर और कंप्रेसिव नेचर, राइट, यू हैव टू ऑल्सो टेल मी दिस। चलिए, जनरली फॉर टेंसाइल फोर्स वी आर यूजिंग प्लस साइन, फॉर कंप्रेसिव फोर्स वी आर यूजिंग माइनस साइन, जनरली, राइट, जनरली दिस इज द साइन कन्वेंशन विच विल बी गिवन टू यू। तो द टू मेंबर ट्रस एबीसी, दो मेंबर आपके यहां पर थे, पिंड कनेक्शन आपका था, हिंज पॉइंट था आपका, हिंज जॉइंट आपका था एबी एंड बीसी, एंड देयर इज अ लोड विच इज अप्लाइड एट द जॉइंट बी, द फोर्स इन किलो न्यूटन ट्रांसमिटेड इन मेंबर एबी, एबी में आपका कितना फोर्स होगा, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ऑफ जॉइंट बी, यस यू कैन डू दिस। चलिए बताइए, विथ माई प्रॉपर मेथड्स यू विल बी गेटिंग आंसर इन ओनली 10 seconds, कितने सेकेंड्स, ओनली 10 seconds। तो यस, क्योंकि सारे जॉइंट आपके इक्विलिब्रियम में आपके होंगे, तो एट जॉइंट बी यहां पर क्या हो रहा था, ये हो रहा था जॉइंट बी पर आपका फोर्स था, अप्लाइड फोर्स इज 10 किलो न्यूटन, तो मुझको ये बताइए कि इफ आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फोर्स इन दिस मेंबर कैन बी लाइक दिस और कैन बी लाइक दिस,
तो ये मेरे का फोर्स में एफपीडी में क्या एक से बताऊं, एक वाला तरीका बताऊं या दो वाला तरीका बताऊं, मैं बताइए। एक फोर्स पता था कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो टू शो द फोर्स इन मेंबर बीसी व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। आई नो दैट कि सिग्मा एफ ऑफ वाई शुड बी जीरो। तो तरीका एक वाला मैं करूं यहां पर या तरीका मैं दो वाला करूं, बताइए। रिप्रेजेंट द फोर्स इन मेंबर बीसी, आप खुद बताइए कि तरीका कौन सा सही होगा। एंड फोर रिप्रेजेंटिंग फोर्स इन मेंबर ए बी, तरीका क्या ये वाला करूं मैं या तरीका मैं ये वाला करूं, बताइए। टेक योर टाइम, बट ये ध्यान रखना है कि ये तीन फोर्स को अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग दिस थ्री फोर्सेस, योर पॉइंट योर जॉइंट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो आई हैव दिस अवेलेबल ऑप्शंस। यार इट इज अ माइंड गेम, यहां से आपका स्टार्ट होता है माइंड गेम, बिकॉज गेट एग्जाम माइंड गेम के ऊपर ही होता है पूरा। तो यू वॉन्ट दैट कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, राइट? यू वॉन्ट दिस, आप ये चाहते हैं। तो एक फोर्स ऑलरेडी अप्लाई था नीचे, तो आप फोर्स चाहते ऊपर, राइट? तो यू विल अप्लाई दिस फोर्स लाइक दिस, ताकि उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर पाए। तो दिस इज फोर्स इन मेंबर बीसी, राइट? दिस इज फोर्स इन मेंबर बीसी। अब बताइए कि टू रिप्रेजेंट अ फोर्स इन मेंबर ए बी व्हाट शुड बी द करेक्ट डायरेक्शन, वन और टू। तो आप ये भी चाहते हैं कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स भी आपका जीरो हो जाए। तो क्या यू विल यूज वन और यू विल यूज टू, क्या यूज करना पसंद करेंगे आप? क्योंकि कंपोनेंट इसका होगा ना, इट क्रिएट द फोर्स लाइक दिस। तो टू अपोज दिट, अपोज दिस, यू हैव अ फोर्स लाइक दिस इन मेंबर ए बी, इन मेंबर ए बी, सो दैट नाउ इफ यू आर लुकिंग केयरफुली द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस जॉइंट, यस यू कैन फील दिस कि यस दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। यस, तो नाउ टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स इन मेंबर बी सी एंड मेंबर ए बी। मेंबर ए बी का फोर्स टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा? मेंबर बी सी का फोर्स टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, बताइए क्या होगा नेचर ऑफ द फोर्स, टेंसाइल या कंप्रेसिव? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? तो नाम के साथ बताइए कि ए बी वाला सर टेंसाइल था, बीसी वाला सर टेंसाइल था, कंप्रेसिव था, जो भी था। तो टेंसाइल कौन सा एंड कंप्रेसिव कौन सा, आई वॉन्ट आंसर विद द प्रॉपर फीलिंग, और आपको मैं फील भी करवाऊंगा, आपको मैं फील भी करवाऊंगा क्यों टेंसाइल आया, क्यों कंप्रेसिव आया, फील होना चाहिए। तो ये बना था आपका फ्री बॉडी डायग्राम। यस, तो बताइए टेंसाइल कौन सा, कंप्रेसिव कौन सा?
तो ए बी टेंसाइल, बी सी कंप्रेसिव। ओके, तो यार ये चीज क्या होती है पता है, कि दिस इज नथिंग बट रिएक्शन रिएक्शन ऑफ मेंबर ए बी, दिस इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ मेंबर बी सी। एफबीडी में आपके रिएक्शन आते हैं, तो एक्शन इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्शन क्या होगा, एक्शन आपका होगा उल्टा। दिस इज द एक्शन फोर्स ऑन ए बी, दिस इज द एक्शन फोर्स इन मेंबर बी सी। तो दिस इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ, तो ये हो गया आपका टेंसाइल, ये हो गया आपका कंप्रेसिव। बोले सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया यार, कंप्रेसिव होना चाहिए ना, अंदर जा रहा था। तो एक बात बताइए कि जब किसी आप स्ट्रिंग के साथ एक वेट अटैच करते हैं ऑफ 100 न्यूटन, एंड इफ यू आर ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम, देन यू विल से दिस कि सर दिस फोर्स ऑन दिस मास इज सेल्फ वेट ऑफ 100 किलो न्यूटन एंड द टेंसाइल फोर्स विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द मेंबर। तो दिस इज द रिएक्शन राइट, एंड आप यहां पर जानते हैं कि स्ट्रिंग आपका, जो भी स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग आपका टेंशन में था। तो दिस इज अ रिएक्शन प्रोवाइड फोर्स इन द स्ट्रिंग, एक्शन फोर्स आपका होता है उल्टा, तो दिस इज टेंसाइल इन नेचर राइट। तो फोर्स आपका ए बी आपका आएगा टेंसाइल, बी सी आपका आएगा कंप्रेसिव। बट वॉट अबाउट मैग्नीट्यूड, वॉट अबाउट मैग्नीट्यूड, आंसर तो बाकी है ना आपका। तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स था 10 वाला, यहां पर आपका फोर्स था ए बी वाला, ठीक है। आपको पता है यू कैन रिप्रेजेंट द फोर्स वेक्टर विद द लाइन, समझना मेरी बात। इफ ए बी के लिए आपने लाइन ड्रॉ किया था 1 मीटर का राइट, फॉर दिस 10 किलो न्यूटन लाइन इज ऑफ 0.5 मीटर राइट, दिस डिस्टेंस इज 0.5 मीटर एंड द लोड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इफ 0.5 मीटर के लिए आपका था फोर्स 10 किलोन्यूटन का, बताइए कि ए बी में फोर्स कितना होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि दिस हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड दिस फोर्स इज ऑफ 1 किलोन्यूटन, अगर मैं लेंथ कर दिया 2 मीटर का, तो फोर्स इज अ वेक्टर, व्हाट इज द फोर्स इन द मेंबर ए बी। और अगर वो भी नहीं करना है कोई बात नहीं, वो भी नहीं करना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको बोल दिया थीटा, दिस इज 10 किलो न्यूटन वर्टिकल फोर्स, दिस फोर्स वी डोंट नो। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड जो कि आपका था 0.5 का डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड जो कि आपका था 1 का, इक्वल्स टू फोर्स 10 का डिवाइड बाय ए बी का। तो ए बी में आपका फोर्स जो आएगा वो आएगा 10/0.5 टू 20 किलो न्यूटन। बोले सर यार हमको ये भी नहीं करना है, हमको ये भी नहीं करना है, कोई और रास्ता बताइए। तो एट द पिंड पॉइंट, एट द पिंड जॉइंट यू कैन टेक मोमेंट एट द पिंड जॉइंट इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस टेंशन, moment will not be created because this tensile line of action is passing through this point and this force AB right, you can take moment about joint C equal to 0. So if it is creating the clockwise moment, then it will create the anti-clockwise moment. So 10 into distance बिटवीन दिस बी एंड सी राइट, लाइन ऑफ एक्शन आपका था 10 इक्वल्स टू फोर्स इन मेंबर ए बी इंटू डिस्टेंस
which is 0.5. So from this also you can get answer ki force in member AB kitna hoga aapka 10 by 0.5 ansh ka aapka answer hoga 20 ka. Ye bhi aapko mil gaya. And this is nothing but this is a reaction force. So action hoga aapka ulta. You will say ki this force is compressive. Sorry, okay, this is the reaction force, no. Okay, so it is tensile only. Reaction ye aapne find kar liya directly. Answer aapka 20 kN. You will write 20 kN and this is the FVD of this member. Member B. In the FVD you are representing reaction forces. तो एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन तो जहां जहां आपका एक सपोर्ट होता है देयर इज अ सपोर्ट कॉल्ड रोलर सपोर्ट. तो एट रोलर सपोर्ट द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय रोलर सपोर्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस राइट. It's always perpendicular to the roller surface. So truss aapko yahan par given hai. Truss is given to you. Okay. So we don't want to use any methods. We just want to apply our mind because we are smart enough. This question was asked in 2 marks in GATE exam, but you can get the answer in 30 seconds without using any complex fundamental. You have to just use these basics, that's enough. So let's try to solve this question. Try to read it properly. Read kare aur bataye ki kya answer aapka aa raha hai. So truss is a single member who has number of members connected in the pin joint and the shape will be triangular in many cases. Member aapke yahan par the 3. Ek member aapka tha PQ jo ki ye wala tha PR and QR. And the forces are applied at an angle of 60 degree with respect to horizontal. Right. Theek hai. पिछले केस में 90 डिग्री था तो रूट टू क्यों नहीं हुआ. तो भाई साहब एक बात समझिए कि ये चीज जो लिखी थी ना कहां गया ये चीज. तो यहां पर क्लियर लिखा था कि दिस इफ दिस टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन ओनली रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम रूट टू टाइम्स. यस और नो. अगर आपके दो फोर्स किसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहे थे एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल देन रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम रूट टू टाइम्स. ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स एंड ये हो गया आपका फोर्स टू मेक दिस पॉइंट इन इक्विलिब्रियम. ओके सो बी केयरफुल. चलिए तो यार कल से प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है कि अगर आप टारगेट करते हैं गेट एग्जाम को तो पहली बात ये होगी कि गेट एग्जाम में पासिंग मार्क एक्चुअल में जो पासिंग मार्क होते हैं और रियल में जो पासिंग मार्क होते हैं रियल पासिंग मार्क इज डिफरेंट राइट. इट इज 75 इफ यू वॉन्ट टू गेट एनी गुड IIT और एनी PSC मिनिमम 75 मार्क्स यू नीड मिनिमम. बट इट विल क्रॉस आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स दिस पासिंग मार्क विल क्रॉस 80 विल क्रॉस 80 मार्क्स आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स लाइक दिस ईयर. ओके सो फॉर दिस यू नीड प्रॉपर मेंटोर यू नीड प्रॉपर कोचिंग. तो यू कैन सब्सक्राइब टू एनी कोचिंग्स प्रॉपर कोर्स बिकॉज विदाउट दिस प्रॉपर कोर्स योर ऑल द एफर्ट्स विल बी वेस्टेड.
Because there is a no meaning of getting 70 marks, 65 marks. Right? So don't waste your life. You have only one life and you have to survive in this world. Financially and mentally also. And I can assure you the full marks in GATE exam. If you are in my personal guidance, if you are following my lectures properly on YouTube, on physical class, and plus 50% course will be on YouTube. 50% will be course will be on plus. So don't ever compromise with your money. Out of these 30,000 rupees, you can make 330 lakh rupees, or you can make 0 rupees by doing proper investment. So don't ever compromise, because money will come and go, but your career will with you, will be with you with entire life. So what is the answer? So at joint R you can see. So main hint de raha hu ki just try to draw free body diagram of joint R. तो आप कभी निराश नहीं होंगे, आपके तीन फोर्स मिलेंगे एंड द जॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो देर इज अ रिएक्शन फोर्स. तो रिएक्शन फोर्स आपका होगा परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस. ओके, ऑन दिस लाइन देर विल बी द फोर्स ड्यू टू दिस मेंबर क्यू आर. On this line, there will be the force due to member PR. So decide the direction of the forces. At this point, आप चाहते हैं कि sigma F of Y 0 हो जाए. तो PR को आप डायरेक्शन ये देंगे, ये डायरेक्शन आप ये देंगे पीआर. यू विल कीप विच डायरेक्शन, वन और टू? ऑलरेडी वो पॉइंट पर आपका अपवर्ड फोर्स लग रहा था, तो यस यू विल गिव डायरेक्शन दिस टू फोर्स पीआर. यस, इसको काट दिया हमने. तो रिएक्शन फोर्स इन मेंबर पीआर, आई विल राइट रिएक्शन फोर्स इन मेंबर पीआर. तो अब मुझको बताए कि फॉर मेंबर क्यूआर यू विल राइट डायरेक्शन इन दिस पॉइंट और दिस. दीज आर द रिएक्शन फोर्सेस, राइट? दीज आर द रिएक्शन फोर्सेस. आप ये चाहते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स भी जीरो हो जाए, सिग्मा एफ ऑफ एक्स भी आपका जीरो हो जाए, आप इतना चाहते हैं. तो क्या करेंगे? वन या टू? कि वो फोर्स होगा, वो लाइन ऑफ एक्शन तो इसी डॉटेड लाइन पर होगा ना उसका. तो यस आप जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स अप्लाई था पॉजिटिव एक्स पर, यू नीड वन फोर्स टू बैलेंस. Yes, this is the reaction force in member QR. Okay, so this angle is 90 degree. देखना ध्यान से मेरी बात, देखना यहां से. This angle is 45 डिग्री. आंसर आपका आ चुका है, यस और नो? एंगल कितना था ये? 45 का एंगल था ना आपका ये? आया ना?
तो टू गेट द आंसर यू डोंट नीड दिस, इसके बिना आपका आंसर आएगा, इसके बिना आपका आंसर आएगा, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं, इसके बिना आपका आंसर आएगा। तो यहां पर आपके तीन फोर्स थे, एक था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा फोर्स आपका था रिएक्शन फोर्स इन मेंबर क्यू आर, तीसरा फोर्स आपका आपका था रिएक्शन फोर्स इन मेंबर पी आर, एंड एंगल इज 45 डिग्री, ये वाले एंगल्स। तो बताइए क्या होता है, क्या होता है यहां पर? आपको पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन मेंबर पी आर, आपको ये चाहिए, यू वॉन्ट दिस एंड दिस। इसको देखें, अगर किसी पॉइंट पर आपके अप्लाई हो रहे थे दो फोर्स जो कि आपके थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, तब जाके तीसरा फोर्स आपको मिलता है √2 times, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, आया ना? समझ में आ रहा है आपको? तो ये फोर्स कौन सा था? ये फोर्स आपका था रिएक्शन फोर्स इन, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या था ये? ये था आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपका था रिएक्शन फोर्स इन मेंबर पी आर। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि रिएक्शन फोर्स इन मेंबर पी आर इज √2 times द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बिकॉज यहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स आपका था एट एन एंगल 45 डिग्री। तो विल राइट कि फोर्स इन मेंबर पी आर, फोर्स इन मेंबर पी आर विल बी √2 times द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बताइए कि कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? फर्स्ट आपका था पी आर, दूसरा आपका था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये होता है तरीका टॉपर्स का अचीव करने का ग्रेट रैंक, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। तो मतलब पी आर शुड बी ग्रेटर देन एन आर, राइट? तो बी ऑप्शन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, यू वॉन्ट √2 times। तो ये ऑप्शन गलत था, बिकॉज वहां तो आपका डबल से भी ज्यादा था। यस यू कैन से दैट कि 70.71 इज इक्वल्स टू √2 times 50। तो क्या क्लियर है ये चीज? यार ये चीज आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इंडिया में, ये चीज जो मैंने बताया ना आपको, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, बट मैंने बताया था कि दीज आर द अमृत वचन्स, अमृत दिया है मैंने आपको, अमृत। दिस एंगल विल बिकम 45 डिग्री, एंड यही चीज आपका गेट में यूज होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो यस आपने यहां पर फील किया कि इन द फ्री बॉडी डायग्राम इफ देर आर थ्री फोर्सेस, एंड दिस थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एनी वन पॉइंट ऑन एनी वन पॉइंट, एंड इफ इफ थर्ड फोर्स, इफ दिस टू फोर्सेस आर एट एंगल 90 डिग्री, एंड इफ द थर्ड फोर्स इज मेकिंग दिस एंगल्स, देन यू कैन क्लियरली से दिस कि दिस फोर्स विल बी इक्वल पी पी, एंड फ्रॉम पाइथागोरस यू कैन से कि दिस फोर्स विल बिकम √2 times p। तो इफ आई आस्क यू कि वोट इज द रिएक्शन फोर्स इन मेंबर क्यू आर, आर क्यू आर कितना होगा बताइए, आर क्यू आर कितना होगा रिएक्शन फोर्स इन मेंबर क्यू आर?
तो गुरु मंत्र आज का योग का मेरी ओर से कि दिस इज द गुरु मंत्र फॉर यू। कृपा बनी रहेगी आप पर और आपके सारे आंसर आएंगे। तो दीज आर द रिएक्शन फोर्सेस। तो एक्शन फोर्स क्या होगा? तो ये होगा आपका एक्शन फोर्स इन मेंबर पीयर, एक्शन फोर्स इन मेंबर पीयर, एक्शन फोर्स इन मेंबर क्यूआर। तो क्यूआर पर आपका आएगा टेंशन, पीआर पर आपका आएगा कंप्रेशन। इन एफ पी डी देर विल बी रिएक्शन फोर्सेस। तो आप जानते थे कि भाई साहब अगर आपका, अरे यार 70.71 कैसे आ गया, कि अगर ये आंसर था तो नॉर्मल रिएक्शन आपका आया 50 का, तो ये भी आपका आ गया पी 50 का, ये आपका आ गया रूट टू टाइम्स 50। बोलेंगे सर ये 50 कहां से आया? तो 50 आपको तब मिलेगा जब आप मोमेंट अबाउट दिस हिंज पॉइंट 0 लेंगे, तब आपको 50 मिलेगा यहां से, राइट? 50 कहां से मिला? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई डिलीवर्ड यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? यू विल नॉट गेट दिस कंसेप्ट एनीवेयर। इज इट क्लियर? ए इज फॉर एक्शन, आर इज फॉर रिएक्शन। अगर आप भूल जाते तो इसको याद कर लेंगे हमेशा, ठीक है? दिस इज द ओके। एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड नॉर्मल एक्शन फोर्स, यू वॉन्ट टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देन यू कैन जस्ट टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट क्यू इक्वल्स टू 0। This is a normal action force and you will get components, right? So it will create the anti-clockwise moment. So you know that if this angle is 45 degree, then the distance will become same. This will become the same, so distance will remain the same, you have to just take moment about point Q and it will become 0. So normal action force NR into 4 is equals to 100 cos 60 into 4. So NR will become 50. So फिर advanced version क्या होगा इस trick का, कि अगर आपको ये 50 मिल चुका है, अगर आपको ये 50 मिल चुका है तो ये भी 50 होगा एंड ये होगा आपका 50 रूट टू। एडवांस्ड वर्जन, इफ वर्टिकल साइड इज ऑफ 50, दिस साइड विल आल्सो बिकम 50 एंड द हाइपोटेन्यूज विल बिकम रूट टू टाइम्स। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ द एंगल इज 45 डिग्री। सोच रहे हैं सर आपने तो कमाल कर दिया कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर we can get in 30 seconds possible, isliye banta hai because you can go through my profile, you can go through the profile, right? These assignments are achieved by me by doing very conceptual smart work, okay? AIR 255 in first attempt, first student got AIR 92 in GATE 2020, and I have also published a research paper in optimization, and I am one of the youngest student to get admission in IIT Bangalore M.Tech Mechanical at the age of 22 years out of only 28 seats available for M.Tech Mechanical and from general category as well, and cleared written test as well as interview in the institute. So if you are seriously working for this GATE exam, right, then you should keep one thing in the mind, your concept should be clear and you need one proper guide, because yahan par bheed itni hogi, bahut sare bheed hai yahan par,
गेट के लिए, एंड अगर आपको बूस्ट मिल गया है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका होमवर्क का क्वेश्चन। कल से क्लास इसलिए नहीं होगा, क्लास टाइमिंग इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7:30 PM टू 8:30 PM। एंड क्योंकि 50% सिलेबस आपका होगा यूट्यूब पर, 50% आपका होगा प्लस पर, तो दिस अदर 4 days आर डेडिकेटेड फॉर द प्लस। प्लस पर आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है कल से 18th of March से। फॉर प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, तो फ्रॉम फ्री क्लासेस यू विल गेट 50 marks, यू विल गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम फ्री क्लासेस। एंड इफ यूर ड्रीम्स आर टू ज्वाइनिंग एनी PSU देन यू नीड 80+ marks, then you should join plus platform with this code Pujan. So this code will give you my personal attention guidance throughout preparation. Don't worry about the money, money is not the ultimate thing in your life, you need proper satisfaction in your life, financial stability. You can message me on the Unacademy Learning app for any doubts or any queries. Daily at 2:30 PM we are meeting for the free classes of maths and aptitude. I'll cover the complete aptitude on the free classes. Okay, maths will be 50% on YouTube, 50% on the Unacademy app. Sorry, plus platform. Yes. Okay, thank you very much, my friends. So try to explore this profile because this profile will change your life. This is the only thing in your bucket list which can change your life. Change your approach to see the question, change your amount of efforts, and it will change your ultimate result, and you can have a satisfied life. Thank you very much. We are meeting on Monday. Meeting on Monday at 7:30 PM and we are meeting tomorrow at 4:45 PM to 6:15 PM on daily basis on Plus platform. Make sure this code is applied before the subscription so that you can get surety from my side for the desired result. And please subscribe our channel Let's Crack Academy SEME, and please share it with maximum friends, then only I will continue this series, or else I will stop the series and I will start complete course on Plus. You can join Telegram channel, link is given in the description of this lecture. Hit the bell icon so that you can get notifications of all the lectures, and good night to everyone.